किन तारा है, एक किन तारा को पकड़ो। हाँ। इसमें क्या सिखा रहे पहले बताओ। सबसे पहले केवल संख्या लिखना, इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ, इकाई पहचान पहले। हाँ, इकाई से मतलब दहाई में कैसे होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे ये पहला डंडा, ये इकाई है। हाँ, पहला मूंग की दाल तो एक इकाई हो, दो इकाई हो जाएगा, दो इकाई। तीसरा मूंग की दाल तीन इकाई, इसमें हम नौ तक डाल सकते हैं, नौ तक डाल सकते हैं, है ना। ऐसे करते हुए दसों को दही आ जाएगा, दसवा नहीं डलेगा इसमें, दसवा इसमें नहीं डलेगा, है ना। ऐसे ही बनाया गया है ना। हाँ, दसवा भी स्थान रहा। हाँ, ये जब जैसे नौ आया, अब जैसे ही दस इसमें डालना है तो सीधा एक एक दहाई बन जाएगा। ठीक ठीक, दूसरी जगह नया मोती ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये अब इसको निकाल देंगे तो इसका कलर अलग लगेगा थोड़ा। हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा का। इसका तो अलग समझ आ गया, सैकड़ा का कलर अलग है। दो ही कलर रखूँ सर, तो इसके लिए और अलग कलर रख देना। हाँ, और ज़्यादा समझ आएगा, है ना। ठीक, क्योंकि ये जो है दस इकाई जब मिला तो एक दहाई बन गया। हाँ, वैसे ही ये जब दस, हाँ, तो एक सैकड़ा। हाँ, तो तीनों अलग अलग कलर रहेगा ना। हाँ, तो बच्चों को क्लियर ज़्यादा रहेगा, है ना। अच्छा, इससे संख्या धान से सुबह दस दहाई के लिए कुछ और अलग बनाना पड़ेगा सर। हाँ, कलर बस अलग, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गया। हाँ, दस दहाई इसी में दस का आपको बंडल बनेगा। दस बंडल नहीं बनाएंगे, वो समझाएंगे बस। हाँ, या उसमें चिपका दो। हाँ, मतलब ये जब दस होता है तो दहाई बनता है, ये जब दस होता है तो सैकड़ा, ये जब दस होता है तो सैकड़ा, तो अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, समझाना बस है। तो तीनों अलग अलग कलर का रहेगा ना सर, तो क्लियर हो जाएगा। बस कलर का रखना है, बढ़िया हो जाएगा। ऐसे सुनने की अवधारणा भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे शून्य का? जैसे नौ मोतियां हैं, बारी बारी से कम करते जाएंगे। हाँ, अंत में एक भी मोती नहीं रहा। हाँ, हाँ, शून्य शून्य का। ठीक ठीक है, जोड़ना घटाना बताना है तो मुझे तीन चीज़ें पूरी पड़ेगी, तीन है ना। जैसे हाँ, एक जो है दो संख्या लेंगे। हाँ, और इसमें आंसर। हाँ, उसमें आंसर। ठीक ठीक, करके बताओ। जैसे 12 में जोड़ना है, मान लीजिए मुझे 12 में 13 ही जोड़ना है। जी ठीक है, तो पहले 12 बनाएंगे तो ये दहाई में एक रहेगा, इकाई में दो, ये 12 बारह हो गया। अब 13 जोड़ना है, यहाँ पर इसी सीधे में रहेंगे, है ना। तीन हो गया ये, और ये जो इकाई। हाँ, ये इसमें इकाई में डाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। जी, ये आंसर लाइन है। चाहे तो अलग से डाल सकते हैं क्या इसको अलग से? नहीं नहीं, इसी को डालेंगे। हाँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो पहले दो डालें, दो इकाई, तीन इकाई उसका, ये जोड़ हो गया पाँच, पाँच हो गया, इकाई में पाँच आ गया। अब दहाइयों का जोड़ करेंगे, एक मोती का, और ये दूसरी मोती। हाँ, ये जोड़ की संख्या एकदम क्लियर हो गया कि जब हमने 12 को जोड़ा और 13 को जोड़ा तो पहले इकाई निकला। हाँ, और इकाई वाले को ही पहले साल्व करना सिखाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही सही रहेगा। नौ संख्या ज़्यादा हो गया, दहाई बन गए। हाँ, दहाई का एक संख्या। हाँ, अगर ये जो है दहाई तक जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर दहाई बना। हाँ, एक वाला कोटी इधर लाएंगे, ये वाला खाली है। दस तक का है, दस तक का रोमन संख्या है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, रोमन में भी है। तीन अक्षर यहाँ पर रोमन अक्षर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप रोमन अक्षर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइव है, पाँच है, ये पाँच है और ये फाइव। ठीक है, वेरी गुड सर, एकदम मस्त है। और ये पूर्ववर्ती परवर्ती, पूर्व और पहले की बात की संख्या। दो का पूर्ववर्ती एक निकलेगा। हाँ, और दो का परवर्ती इसी में निकल जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है सर, मस्त है। वैसे ये सभी संख्याओं में निकलेगा। हाँ, बड़े संख्याओं में भी बनाए हैं। हाँ, 149 और 151। ठीक, वेरी गुड सर, मस्त है। इसमें हम लोग उपचार को करते हैं, बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ, और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उनका उपसर्ग सटीक बैठना चाहिए। हाँ, है ना, उपसर्ग सटीक होना चाहिए। हाँ, प्रत्यय भी सही होना चाहिए। हाँ, तो ठीक, ये भी अच्छा है। और ये क्या अक्षर पेटी में क्या है? उधर का है, बच्चों को पहले इसमें है, इसमें को उसमें डालना है। बनेगा कैसे उसमें अक्षर निकालना बस है। हाँ, हाँ, जैसे उसमें क है तो क वाला में क डालना है। हाँ, यहाँ से उठा के ढूंढना है उनको। हाँ, जैसे मैंने आ पकड़ा, अब बच्चे को दूंगा तो इस अ को अ वाले में डालना है, ढूंढ के कहाँ पे है। उदाहरण के लिए ये जैसे ये है, उसी में डालना है। ठीक ठीक, और एक एक मतलब
उसमें कितने हैं अक्षर? तीन अक्षर डाल सकते हैं, किसी में दो हैं, किसी में तीन हैं, कितने अक्षर उसमें डाल सकते हैं? अक्षर पहचान के लिए। फिर उसमें हम शब्द भी बना सकते हैं, जो तीनों अक्षर डाला है उनसे शब्द बनाओ, कितने शब्द बनाओ। बढ़िया, अच्छा है, अर्थ वाला हो, बेस्ट है, मस्त है, ठीक, वेरी गुड सर, थैंक यू। हाँ चल, आप स्कूल का कौन सा है सर? सर संकुल है, परसदा विद्या मंदिर, और यहाँ तीन स्कूल से मार डाला है, प्राथमिक शाला खट्टी से, प्राथमिक शाला आबादीपारा परसदा से, और प्राथमिक शाला आंदोलन। ठीक ठीक सर, धन्यवाद। अगर ये गिरनी नहीं होगी, हाँ सर, पर अधिक लगाना होगा, अधिक लगा देंगे, हाँ। सभी गाड़ियों में जो पहिया लगाया जा रहा है, हाँ, उसके बीच में जो चिकनाई लगाते हैं, हाँ, घर्षण कम करने के लिए, हाँ, तो उसी का उदाहरण है ये, कोई नहीं जो लगाया जाता है गिरनी, हाँ, बल कम, बल कम लगता है और अधिक वजन सामग्री को उठा सकते हैं, ठीक, और ये जब टूट जाता है तो मेहनत ज्यादा लगता है, हाँ, इसको हाथ हटा के खींचेंगे, हाँ, तो ज्यादा मेहनत ज्यादा लगता है, हाँ, ठीक ठीक, घर्षण कम करने के लिए, ठीक, हाँ, दिशा मापक, हवा जब चल रहा है तो हवा की गति किस ओर है ना, अभी का समझ आ रहा है, इधर से हवा इधर ही आएगा, ठीक है, ये हल्का है इसलिए आसानी से बता रहा है ना, ठीक, इसमें विल्लस का खेल से यहाँ पर हम अक्षर ज्ञान बता रहे हैं, अच्छा, किस टाइप का, मतलब जैसे क खा, इधर से ही चलेंगे, अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब विल्लस में जैसे चलते हैं वैसा ही चल के इसमें अक्षर पढ़ना है, जलता होगा लाइट, तो इसमें ठीक है, नहीं नहीं वो लाइट नहीं है।